बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 की रेनबो किताब का लेसन 2, जिसका नाम है द काबुली वाला, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर एक स्टोरी है और ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। इसको पढ़ने के बाद अगर आप सॉफ्ट हार्टेड हैं तो आपके आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। तो इस स्टोरी के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिटिल मिनी वॉज 5 ईयर्स ओल्ड एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बात करता है। लिटिल मिनी की और काबुली वाले की एक कहानी है। लिटिल मिनी यानी कि छोटी मिनी, एक लड़की है जिसका नाम है मिनी। वॉज 5 ईयर्स ओल्ड, 5 साल की एक लड़की है। एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स, जो कि बहुत बातूनी है। एक मिनी नाम की 5 साल की लड़की है जो कि बहुत बातूनी है। शी सिंपली कुड नॉट लाइव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वह सिंपली कुड नॉट लिव, वह नहीं रह सकती है विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वह हर समय बिना बात किए नहीं रह सकती है, यानी कि वह हर समय बात करती है। हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। उसकी माता को भी इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी कि मिनी हमेशा नॉन स्टॉप बात करती रहती है। एंड ट्राइड टू साइलेंट हर, और वह उसको चुप कराती रहती थी। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली, और उसके पिता के साथ उसका जो कन्वर्सेशन है, उसका वार्तालाप है, वह बहुत जीवंत होता था। ठीक है, बहुत ही रोमांचक और मज़ेदार होता था। आगे हम लोग देखेंगे। वन डे मिनी बर्स्ट इन टू हर फादर्स स्टडी रूम। एक दिन मिनी अपने फादर के स्टडी रूम में बर्स्ट कर जाती है, घुस जाती है। ठीक है, शी पुट हर आर्म अराउंड हिम। वह अपने आर्म को, अपनी भुजाओं को उनके चारों तरफ रख देती है, यानी कि उनको अपने भुजाओं में पकड़ लेती है। एंड सेड, और कहती है, व्हाट डू यू थिंक फादर, आप क्या सोचते हैं पिताजी, आपको क्या लगता है पिताजी। भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ हिज इट्स ट्रंक एंड दैट इज वाई इट रेन्स। भोला सेज, यानी कि भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, यानी बादलों में। क्लाउड्स का मतलब होता है बादल। बादलों में एक एलिफेंट है, एक हाथी है, हु ब्लोज वाटर, जो कि पानी फेंकता है, आउट ऑफ हिज ट्रंक, अपने सूंड से, अपनी सूंड से जो पानी फेंकता है। एंड दैट इज वाई इट रेन्स, और इसीलिए बारिश होती है। यानी मैंने अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आपको क्या लगता है। भोला कह रहा था कि बादलों के बीच एक हाथी है जो कि अपनी सूंड से पानी फेंकता है और इसीलिए बारिश होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई सी रैन टू द विंडो। इसके पहले कि उसके पिताजी इसका जवाब दे पाते, वह विंडो की तरफ, खिड़की की तरफ भागती है। ठीक है, ऐ काबुली वाला, ऐ काबुली वाला। एक काबुली वाला आता है और वो उसको देखकर चिल्लाती है, ऐ काबुली वाला। ठीक है, मिनी कॉल्ड आउट ऑफ द काबुली वाला बट व्हेन सी लुक्ड एट हर सी वॉज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर। मिनी कॉल्ड आउट द काबुली वाला, मिनी काबुली वाले को तो बुला लेती है, बट लेकिन व्हेन ही लुक्ड एट हर, जब वह उसको देखता है, जब काबुली वाला मिनी को देखता है, सी वॉज इन टेरर, वह डर जाती है। टेरर का मतलब आतंक या डरना। ठीक है, वह डर जाती है एंड रैन टू हर फादर, और वह अपने पिताजी के पास भाग जाती है। अब वो क्यों डरती है। शी हैड हर्ड दैट काबुली वालाज कॉट चिल्ड्रेन। उसने सुना था कि जो काबुली वाला है वह कॉट चिल्ड्रेन, बच्चों को पकड़ लेता है। पुट देम इन देयर सैक्स, देयर सैक्स का मतलब होता है बोरी। वह उनको बोरी में भर लेता है। एंड टूक देम अवे, और उनको बहुत दूर लेकर चला जाता है। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस, जो काबुली वाला है वो मिनी के घर आता है। एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी केम आउट एंड मेट हिम, और उसके पिताजी ये करते हैं कि मिनी बाहर आए और उससे मिले, ताकि उसका डर उस काबुली वाले से कम हो सके। तो काबुली वाला उनके घर आता है और मिनी उससे मिलती है। सून मिली लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम एंड इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्ड
पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 ईयर ओल्ड. सून, सून का मतलब जल्दी ही. मिनी लॉस्ट हर फियर, मिनी अपना डर खो देती है ऑफ हिम. उसके जैसे काबुली वाले से वो डरती है तो उसका डर वो कम हो जाता है. एंड इट वॉज अ जॉय टू वॉच, और यह देख कर बहुत आनंद आता है. द बिग बियर्ड पठान, जो बड़ी दाढ़ी वाला पठान है, टॉकिंग टेंडरली टू लिटिल 5 ईयर ओल्ड, वह 5 साल की उस छोटी से बच्ची से कितनी विनम्रता से, कितनी कोमलता से बात करता है, यह बहुत ही सुखद दृश्य होता है. आगे हम लोग पढ़ेंगे. द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस. काबुली वाला अब एक डेली विजिटर यानी कि रोज आने वाला आगंतुक बन जाता है. वह रोज ही मिनी के घर आने लगता है. दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर. दे वुड सिट, वो बैठते थे, एंड चैट फॉर आवर्स, और घंटों बातें किया करते थे. एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर, और एक दूसरे से चुटकुले कहा करते थे और हंसी मजाक किया करते थे. वंस अ ईयर, एक बार, साल में एक बार, रहमान, रहमान, फॉर दैट वॉज काबुली वालाज नेम, जो कि काबुली वाले का नाम था, काबुली वाले का नाम रहमान था, जो कि साल में एक बार क्या करता है आगे देखेंगे, वुड गो बैक टू हिज ऑन कंट्री, वह अपने देश जाता था. ठीक है, वह इंडिया का नहीं था, वह मिनी के देश का नहीं था, वह हर साल अपने देश एक बार जाता था. ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपुल ऑड हिम बिफोर ही लेफ्ट. वह जाने से पहले, ही वुड कलेक्ट, फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी, वह अपने सारे पैसे कलेक्ट करता था, दैट पीपुल ऑड हिम बिफोर ही लेफ्ट, जो कि वो लोगों को दिया हुआ रहता था, यानी कि वह अपने देश जाने से पहले जो भी पैसे लोगों को दिया हुआ रहता था वह उसको कलेक्ट करता था और तब जाता था. आल्दो रहमान वॉज बिजी, भले ही रहमान व्यस्त था, ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, फिर भी वह लिटिल मिनी से मिलने के लिए टाइम निकाल लेता था. जो यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे. वन डे देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट. वन डे यानी एक दिन, देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज, लॉट ऑफ नॉइज का मतलब बहुत सारा शोर, इन द स्ट्रीट्स यानी गलियों में, सड़कों पर बहुत सारा शोर था. क्यों शोर था? रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन हु ऑड हिज मनी. रहमान हैज स्टैब्ड का मतलब होता है छुरा घोपना या चाकू मारना. अ मैन, रहमान ने एक आदमी को छुरा घोप दिया था, चाकू मार दिया था. हु ऑड हिज मनी, जो कि उसने उसका पैसा लिया होता है. ठीक है, रहमान का कोई पैसा लिया रहता है और किसी कारणवश रहमान उसको छुरा घोप देता है. फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन. प्रिजन का मतलब होता है जेल, और एक क्राइम का मतलब अपराध. इस अपराध के लिए ही वॉज सेंट टू प्रिजन, वह जेल भेज दिया जाता है. टाइम पास्ट, समय बीतता जाता है. एंड मिनी सून फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड, और मिनी सून का मतलब जल्द ही, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना. मिनी जल्द ही अपने ओल्ड फ्रेंड को, पुराने दोस्त को भूल जाती है. द काबुली वाला, जो कि काबुली वाला है. शी ग्रीव अप इन टू अ वेरी प्रेटी वुमन. वह एक बहुत ही प्रेटी का मतलब सुंदर, वुमन का मतलब औरत. वह बहुत ही सुंदर में, औरत के रूप में विकसित हो जाती है, बड़ी हो जाती है. यानी कि मिनी अब छोटी से बड़ी हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर औरत बन जाती है. हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग. उसके पिताजी यानी मिनी के पिताजी मेड अरेंजमेंट्स अपनी मिनी की शादी के लिए, उसकी वेडिंग के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं, व्यवस्था करते हैं. मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट. उस रात यानी कि एक रात की बात है, मिनी वॉज गेटिंग मैरिड, उस रात मिनी की शादी थी. उस रात क्या होता है, एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशंस अ मैन केम अप टू हिम एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली. एज द फादर वॉज बिजी, पिताजी व्यस्त थे इन द प्रिपरेशंस, तैयारियों में, क्योंकि उनकी लड़की की शादी थी, मिनी की शादी थी. अ मैन, एक आदमी केम अप टू हिम, उनके पास आता है एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और सम्मान के साथ उनको सैल्यूट करता है, उनको नमस्कार करता है. एट फर्स्ट, पहली बार में, ही डिड नॉट रिकोगनाइज हिम. रिकोगनाइज का मतलब होता है पहचानना. एट फर्स्ट एंड पहली बार में, ही डिड नॉट रिकोगनाइज हिम, वह उसको पहचान नहीं पाते हैं.
सून ही रियलाइज्ड इट वाज ओल्ड रहमान, और जल्द ही, सून मतलब जल्द ही रियलाइज्ड, उनको रियलाइज होता है, महसूस होता है कि इट वाज ओल्ड रहमान, ये वही बूढ़ा रहमान है, द काबुली वाला, ये वही बूढ़ा रहमान काबुली वाला है। मिनीज़ फादर टोल्ड हिम दैट, मिनी के पिता कहते हैं, द मैरिज सेरेमनी आर गोइंग ऑन एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे। मिनी को के पिता को लगता है कि ये जो ओल्ड रहमान है ये वही अपने कुछ सामान बेचने आया है, इसलिए वो कहते हैं कि आज हमारे यहाँ शादी है, प्लीज़ किसी दूसरे दिन आओ। ही वॉज अबाउट टू लीव, वह जाने ही वाला था काबुली वाला, चूँकि वहाँ से जाने वाला था, मिनी के पिता ने कहा था कि आज हमारे यहाँ शादी है, दूसरे दिन आओ किसी दिन। ही वॉज अबाउट टू लीव वेन ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, फिर वह मुड़ता है और कहता है, मे आई सी द लिटिल वन सर, मे आई सी, क्या मैं देख सकता हूँ द लिटिल वन, उस छोटी सी बच्ची को, श्रीमान क्या मैं उस छोटी सी बच्ची को देख सकता हूँ। ही स्टिल थाट ऑफ मिनी एज लिटिल गर्ल, ही स्टिल थाट, वह अभी भी सोचता था दैट मिनी एज अ लिटिल गर्ल, कि मिनी अभी भी एक छोटी सी बच्ची है, हु केम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग, जो उसके पास दौड़ती हुई आती थी और कहती थी, काबुली वाला ओ काबुली वाला, जो उसके पास दौड़ के आती थी और काबुली वाला कह के पुकारती थी। ही थाट दे वुड टॉक एंड लाफ एज दे यूज टू डू लॉन्ग अगो, वह सोचा कि वो एक दूसरे से बातें करेंगे जैसा कि वो बहुत पहले किया करते थे। मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन, मिनीज के पिताजी जो थे, टोल्ड हिम अगेन, उसको फिर से कहते हैं दैट, कि द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, कि शादी की जो रस्में हैं, सेरेमनी है, तैयारियां हैं, वो चल रही हैं। द काबुली वाला देन गेव हिम अ स्मॉल पैकेट, फिर काबुली वाला उनको एक स्मॉल पैकेट, छोटा सा पैकेट देता है, ऑफ ड्राइड रेजिन्स, एक किशमिश का, सूखी किशमिश का एक छोटा सा पैकेट देता है, नट्स अखरोट का एंड आलमंड्स और बादाम का, फॉर मिनी एंड सेड, मिनी के लिए देता है और कहता है, यानी कि काबुली वाला मिनी के लिए छोटे छोटे पैकेट रेजिन्स के, नट्स के और आलमंड्स के, इसका हिंदी मीनिंग बताया भी मैंने, किशमिश अखरोट और बादामों के कुछ छोटे छोटे पैकेट देता है और कहता है, एंड सेड गिव दीज टू द लिटिल वन, ये उस छोटी सी बच्ची को दे देना, आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर, आई टू हैव अ लिटिल वन, मेरे पास भी एक उसकी तरह, लाइक हर यानी उसकी तरह एक छोटी सी बच्ची है, एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, और मुझे उसकी याद आई तो मैं आपके लिए ये फ्रूट्स लेकर आ गया। मिनीज़ फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, मिनी के जो पिताजी थे कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ही रियलाइज्ड दैट, उनको वो रियलाइज करते हैं, द पुअर काबुली वाला वाज आल्सो अ फादर, कि काबुली वाला जो है वो भी एक पिता है, ठीक है। ही कॉल्ड मिनी, वो मिनी को बुलाते हैं, हु केम आउट ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, जो कि एक दुल्हन के रूप में, ड्रेस्ड एज अ ब्राइड यानी कि एक दुल्हन के रूप में सजी होती है, हु केम आउट, जो कि बाहर आती है, ठीक है। द काबुली वाला वॉज शॉक्ड टू सी द मिनी, जो काबुली वाला है वो मिनी को देखकर शॉक हो जाता है, ठीक है। द लिटिल गर्ल ही हैड नो हैड ग्रोन इंटू अ ब्यूटिफुल वुमन, द लिटिल गर्ल, जिस छोटी लड़की को ही हैड नोन जानता था, वह हैड ग्रोन इंटू अ ब्यूटिफुल वुमन, जो एक सुंदर स्त्री में बदल गई है, ठीक है। क्योंकि काबुली वाला को तो अभी भी लगता था कि वह एक छोटी सी बच्ची है, इसलिए वह शॉक हो जाता है। ही सडनली रियलाइज्ड दैट हिज ऑन डॉटर वुड हैव ग्रोन अप टू एंड ब्रोक इंटू टीयर्स, उसको तुरंत ही आभास हो जाता है, ही सडनली रियलाइज, उसको तुरंत ही आभास हो जाता है दैट हिज ऑन डॉटर, उसकी खुद की जो लड़की है, वुड हैव ग्रोन, जो कि वो भी बड़ी हो गई होगी, अप टू एंड ब्रोक इंटू टीयर्स, और वह ब्रोक इंटू टीयर्स का मतलब रोने लगता है, वह इस बात से रोने लगता है। मिनीज़ फादर टूक आउट सम मनी,
मिनी के जो पिताजी हैं टुक आउट सम मनी, कुछ पैसे लाते हैं एंड गेव इट टू रहमान, और उसको रहमान को दे देते हैं। एंड सेड, और कहते हैं गो एंड सी योर डॉटर, जाओ और अपनी लड़की को देख लो, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और तुमको सारी खुशियाँ मिलें। ठीक है, मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, मिनी के पिता को हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, वेडिंग के कुछ एक्सपेंसेस, कुछ खर्चों को कम करना पड़ता है। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स, वह मिलिट्री बैंड जो कि उन्होंने शादी में व्यवस्था की होती है मिलिट्री बैंड की और इलेक्ट्रिक लाइट्स की, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उन्होंने वो जो उसके पैसे काबली वाला को दे दिए होते हैं। बट लेकिन ही वॉज हैप्पी, लेकिन वह खुश होते हैं दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, फिर भी वह खुश रहते हैं कि उन्होंने एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे पिता की हेल्प की है जो लॉन्ग लास्ट, जो कि अपने बहुत दिनों से अपनी इकलौती लड़की से, इकलौते बच्चे से नहीं मिले हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और इस स्टोरी के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं जिसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। और ये वीडियो और ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे और भी चैप्टर्स के वीडियोस आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।